और हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और हम आ गए हैं अमित जी के घर, यानी मेरे इन लॉज के घर। गुग्गो दादी हाउस आ गए, दादी हाउस। कल नानी हाउस कार्ड देके आया था गुड्डू, नानी हाउस कार्ड देके आया था ना कल, आज दादी हाउस आ गए, है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम आए हैं धारोड़ा सेक्टर 6 अमित जी के घर पे। और गाइज देखो, ये दादी गई है। दादी देखो, दार बाहर ही वेट कर रही थी दादी। ये है अमित जी का घर। अब अंदर जाके मिलवाते हैं। तेरा ससुराल है। हाँ हाँ, मेरा इन लॉज का घर, यानी कि मेरा ससुराल। जब मेरी विदाई हुई थी तो मैं यहीं आई थी। हाँ, और रहते हम लोग वैसे दिल्ली है। और गाइज मैं अंदर जाके आप लोगों को मिलवाती हूँ। वैसे मैं सूट पहनने वाली थी, बट मैंने फिर ये पहले यार, मेरा सूट प्रेस नहीं था, मुझे अच्छा ही लग रहा। फिर भी ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। दादी नमस्ते। चल पहन, चलो गोवर्धन उतार दिया मैंने। ये दादी आ गई। ईद थोड़ी मिल रही है, ईद मोर थोड़ी करनी है। हाँ ऐसे ही करते हैं दादी। दादी आ गया, देख रहा है। जाओ, अभी जाएगा, जाएगा। जाओ ना, खेली खेली करेंगे दादी माए। अरे दादी भाई, जगह दादी है। चलो भाई, फोटो खींच रहा है ना, वीडियो बन रही है ना उसमें। अच्छा, यूट्यूब पे चैनल ना। दादी नमस्ते। अब दादू जानता है वो। दादू क्या कर रहे हैं? दादू टीवी देख रहे? धर्मेंद्र को देख। दादू क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? आपके पास नहीं आया? हाँ पर्दे देखो, पर्दे यहाँ पे, पर्दों पे खेलो। गुगू का काम चालू। दादी की बातें, दादी कहती है आदू आदमियों के पास ही जाता, औरतों के पास नहीं जाता। हाँ दादी के पास ही जा रहा आदू। ओए आदू देखो देखो क्या है। अभी दादू चाय पी रहे हैं। दादी मैं बेटा आपकी जगत दादी है। गाइस दादी कह रही है आदू आदू और कोई बात तेरे को बोलो, क्या क्या दिक्कत क्या है बताओ। अभी क्या करते, क्या करता है ये, क्या करता है बता दो। कहता है मैं तो छोड़ो। नहीं नहीं, और क्या करता है ये? आपके पास नहीं आ रहा ना? नहीं, औरतों के पास नहीं जाता। बात बोलना क्या बोल रहे हो बताओ। जगतदाती। नहीं नहीं, ये कहता है आदमी के पास जाता है और मम्मी जान जाता है औरतों के पास। इसको औरतें पसंद नहीं है, आप ही पसंद है। ठीक है, बड़ा होता यही बोलूंगी मैं। और हमारे पास आता नहीं था जब छोटा सा तो है। आप अच्छे नहीं हो। लहचे नहीं बोलूंगा दादी, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छे नहीं बोलता। डोलो अच्छी नहीं हो। हेलो हेलो, बोलो कहा हो आप? समझा है दादी हाउस। दादी आओ, दादी आओ, दादी आओ, दादी आओ, दादी आओ, जागे दादी आओ। आएगा जाएगा देखेगा, मतलब छोटा है समझ लिया बेटा इसको। छोटा बच्चा आएगा जाएगा, बच्चों को पहचान होगी, परिवार क्या होता है तब तो बच्चा पहचान लेगा। ऐसे कैसे बच्चे क्या, परिवार क्या चीज होता है? ठीक है बेटा, बच्चों का ज्ञान थोड़ी होती है, ये बेसमझ है, ये तो इसको ज्ञान थोड़ी है। गाइस बच्चों को देख रहे हैं दादू के साथ। किसने दिया आपको ये इतना सुंदर पेंटिंग? इसने दिए तीनों ने, चारों ने, एक मेरी बहन बनी हुई है। किन चारों ने? चारों कौन है ये? कावे की मम्मी,
रेनू। ये कौन बहु है आपकी? बहु है बनी हुई आपकी यहाँ पे? वही बहु है मोबली अड़ोस पड़ोस वाली। अच्छा बेटा बेटा मेरे पास रहती है तो वही। हाँ तो अच्छे रिलेशन होंगे तो तभी तो दिया है। देखो मेरे दुख में सुख में रोटी बना के दे जाती है, जुड़ने तो कर दो दुख है सुख मेरे को कहीं जाती हूँ खाना, जैसे कोई कहीं शादी ब्याह होता है मेरे को खाना वही जाके देती है मेरे को, रात को मैं पता नहीं चलता मेरे को चप्पली मेरे को ढूंढ के देती है भगवान ऐसे को बहुत दे मैं कह रहा सेवा करती है मेरी। अच्छी बात सेवा करती है बेटा। आदू देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है देखो, वो दे उसने तीन चारों ने दी एक मेरी बहन बनी कलकत्ता। हाँ आदू देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है ना दूसरे मेरे को दी। अच्छा और देखो क्या है रुको आपकी बर्थडे का है नहीं बर्थडे का इनविटेशन है इसका बर्थडे है कार्ड तो देख लो दादी खोल के दादू बोलो खोल के दिखाएंगे ये ले लो दादू दिखा देंगे खोल के देखो वो दिखा देंगे कौन है जय माता दी। ओहो बेटा मैंने वक्त से वो जब से मैं फर्क पड़ी वैसे सारा काम करती हूँ रात को परेशानी होती है दिन को परेशानी होती है रात को मैं परेशान रात को जान नहीं सकती अच्छा हमें कार्ड ही नहीं पसंद आ रहे थे बड़ी मुश्किल से पसंद आया दादी पहले बोल रही एडवांस में एडवांस में हैप्पी बर्थडे एडवांस में तो मैं लेता रहता हूँ नहीं मैं उसी दिन लूंगा चौधरी को हो गया ना चौधरी को बारह महीना लग गया ना मेरे पास भी है दादू मेलोडी अब हो रहा है मुँह मीठा ये माता दादी दादी को खिला रही है मम्मा है थोड़ा सा दिया खाओ ना चीज क्या है क्या है ये है अपना बर्फी बर्फी गई अरे वाह अरे वाह बर्फी खाई ये आशीर्वाद लेते हुए अरे भाई ये तो ये मम्मी घर आती रह जाती रह आज ये थोड़ा ओहो आदू भी खा रहा है इसको खाएगा ओए वाओ अपने बर्थडे की मिठाई खा ली हो गया दादी कह रही हैप्पी बर्थडे हो गया ओए डांस करके दिखा दो अच्छा ठीक है डिंग डिंग लक्के लक्के डिंग डिंग लक्के लक्के गाना बजता तो नाचता है डिंग लक्के लक्के। और गाइस हुआ क्या कि हमने यहाँ दादी दादू को कार्ड दे दिया है इसके आदू के दादी दादू को दे दिया है ये दादी और हमें इसके ताई के यहाँ जाना हमें बताया था मैं आपको जेठानी से मिलाऊंगी बट वो लोग हैं नहीं उनके यहाँ कोई शादी थी तो उनके यहाँ कोई आज फंक्शन था सगाई वगैरह तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा और वो चीज़ हमें मालूम नहीं थी तो हम टपक गए बीच में तो इसलिए मैं आज आपको अपनी जेठानी से नहीं मिलवा पाऊंगी क्योंकि वो आज है नहीं ठीक है तो नेक्स्ट टाइम बाकी अभी हम दादी दादू को अपने साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि गुड़गांव में हमें कुछ कार डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इनके मामा के यहाँ और मेरे मामा के हैं इसके दादू के मामा के यहाँ दादू के मामा के हैं कुछ कार डिस्ट्रीब्यूट करने मामा है मासी रहती है कहाँ कहाँ जाना है दादी बता दो आप कहाँ कहाँ कार देने जा रहे हो हमने सोचा शायद हम जाएंगे तो हमें ज्यादा अप्रोच नहीं मिल पाए नहीं बड़ों को साथ लेके जाना चाहिए नहीं हमने सोचा कि मैं तो पहली बार जा रही हूँ तो मैंने सोचा नहीं भाई बड़े बुजुर्ग साथ रहेंगे तो अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है और फिर ना उस बात में और कार्ड में और भारी भारपन आ जाएगा वो तो है ही सही बात है तो भारीपन आ जाएगा तो वो ज्यादा सीरियसली लेंगे हमारे फंक्शन को ठीक है तो बाकी चलो
अब हम निकलते हैं यहाँ से। बाकी इनके यहाँ पे भी फंक्शन हो रहा है, कोई कुआ पूजा रहेंगे हरियाणा में अभी। वहाँ भी मम्मी कुछ शगुन डाल के आई है, क्योंकि इनका न्योता था। डाल दिया इनका न्योता था, मगर ये हमारी वजह से जा नहीं पा रही है, तो कोई बात नहीं। मम्मी बहुत फंक्शन अटेंड करती रहती है, हमसे भी ज़्यादा। मम्मी बैठा दिया है और पापा ने मेरी जगह हड़प ली आगे वाली, मगर कोई बात नहीं। इलेक्शन कब तक है इनकी? इनका दादर की मामा जी के घर, अमित जी के मामा जी के घर। अब मैं मिलाऊंगी आपको और मामी जी। ये अमित जी की मामी जी, ये कार्ड दे रहे हैं। इनका बर्थडे है, ठीक है। और बारा को तो मैं यही ना बता रही हूँ, कोई ना आ सके तो फील मत करना। फील क्यों करेंगे? मैं तो भी हिल नहीं सकती बिल्कुल। गाड़ी भेज देंगे आपके लिए, इतना करते हैं। गाड़ी भेज देंगे, मैं कहीं नहीं जाती बिल्कुल। 50 बीमारियां इकट्ठी हो पड़ी अगर बीती उधर। ये मामा जी हैं इनके जो एक्सपायर कर गए, मामी जी जो बोल रहे बुरा बद मानना अगर नहीं आए तो। बर्थडे है और कुछ जगाता रखा है, तो खुशी है, सबको खुशी होती है, ऐसे में अच्छा भी लगता है। और वही मैं कह रही राज्य में जाने वाले जहाँ का हमको अब राज्य देखते थे, बीमार थे ना वो खुद भी। और गाइस अब हम यहाँ से निकल के कहीं और दूसरी जगह जा रहे हैं कार्ड देने। मेरी आवाज, सॉरी, आवाज बहुत डाउन हो चुकी है, तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। आपके मामा जी? हाँ, मेरे मामा जी। गाइस ये मामा जी है 92 इयर्स। मामा जी आप कोशिश करना आने की। पापा जी, ये पूरी फैमिली है, ये हमारी बहू है, छोटा भाई है, ये सारी फैमिली है गाइस। भतीजा, ये उनका घर है। और ये देखिए यहाँ बैठे रहते मामा जी, छोटा भाई, भाई और ये उनके मिसेज, ये छोटे भाई। हाँ ये तो मिलवा दिया मैंने। और गाइस मैं गला हो गया बड़ा भी। अब वापस मम्मी पापा को धारवाड़ा ड्रॉप करके उसके बाद जाएंगे अपने घर दिल्ली, यानी कि हमें 12 बज जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा।